नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि विश्व में कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है? किस देश की कंपनियां सबसे बड़ी और सबसे मशहूर कंपनियां हैं? कौन से देश ने सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं? कौन से देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? किस देश की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर सेना है? किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? और किस देश की करेंसी सबसे ज्यादा ताकतवर है? तो इन सभी सवालों का जवाब है अमेरिका। अमेरिका आज सुपर पावर देश है। विश्व के हर छोटे से बड़े मामलों पर इसका हस्तक्षेप रहता है। अमेरिका में होने वाली हर घटना का असर विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका का नाम सुनते ही एक विकसित और ताकतवर देश की कल्पना मन में उभर कर आती है। विश्व में कोई भी देश अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। अमेरिका आज लगभग हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? अमेरिका ही क्यों आगे है? विश्व में कई ऐसे देश हैं, फिर अमेरिका ही क्यों? क्या अमेरिका हमेशा से ही इतना शक्तिशाली था, या फिर अमेरिका भी बाकी देशों की तरह कभी गरीब और गुलाम था? आइए ये पूरी बात आपको विस्तार से समझाते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस। सन 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटालियन खोजकर्ता और नाविक थे, भारत की खोज में निकले थे। वो यूरोप के पश्चिमी तट से निकलकर एशिया के पूर्वी तट पर पहुंचना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि यूरोप और एशिया के बीच एक दूसरा भाग भी है। जब कोलंबस इस बीच के स्थलीय भाग पर पहुंचे, तो उन्हें यही लगा कि उन्होंने भारत को खोज लिया है। लेकिन उन्होंने पाया कि वहां रहने वाले लोगों का रंग भारतीयों जैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इन निवासियों को रेड इंडियन कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोलंबस अपनी मृत्यु तक यही सोचते रहे कि उन्होंने भारत की खोज की है। अमेरिगो वेस्पुची। 1503 में एक अन्य समुद्री नाविक अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका पहुंचा। उसने संपूर्ण यूरोप को बताया कि ये भारत नहीं है, बल्कि कोई अन्य द्वीप है। लोगों ने उस नाविक के सम्मान में उसके नाम पर अमेरिका का नाम रख दिया, और इस तरह से हुई अमेरिका नाम की उत्पत्ति। अमेरिका पर ब्रिटेन का कब्जा। अब अटलांटिक महासागर के पार बसे अनजान जगह अमेरिका को हर कोई जान गया था। फिर क्या था, उस समय के ताकतवर यूरोपीय देश जैसे स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने लग गए। साल बीतते गए और अमेरिका में यूरोपियन का आगमन होता रहा। आखिरकार 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने इस देश पर अपनी सत्ता कायम कर ली। इस दौरान बहुत से यूरोपियन लोग अमेरिका में आ गए, और अंग्रेजों ने अमेरिका के मूल निवासियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। जब अमेरिका को मिली आजादी। अंग्रेजों द्वारा अमेरिका के लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अमेरिका में इसका विद्रोह जोर शोर से शुरू हुआ, और लगभग 150 साल से चल रहे अंग्रेजी शासन से अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को आजादी मिल गई। अमेरिका अब एक आजाद देश बन चुका था, और जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। लेकिन अमेरिका अब भी एक साधारण देश ही था। गरीबी और लाचारी अभी भी अमेरिका में मौजूद थी, लेकिन आजादी के साथ ही अमेरिका के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। अब जॉर्ज वॉशिंगटन इस देश के पहले राष्ट्रपति बने, और इसके साथ ही उन्होंने इस देश में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत की। जब अमेरिका खुद को विस्तार करने लगा। अमेरिका भले ही एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए अमेरिका ने साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाई। अमेरिका ने कुछ देश पर दबाव डालकर तो कुछ को चालाकी से अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। 1868 में अमेरिका ने पूरे अलास्का को रूस से मात्र $7.2 मिलियन में खरीद लिया था। साथ ही अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के विकास पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध। अब समय आ चुका था कि प्रथम विश्व युद्ध का, जो कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चली, और यही समय था जब अमेरिका की किस्मत पलटने वाली थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक यूरोप सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के अधिकतर बड़े देश पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली आदि ऐसे देश थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के बाद इन देशों में बहुत बड़े स्तर पर तबाही आ गई थी। इन देशों के सभी बड़े कारखाने, मिले, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, और दिवालियापन घोषित हो गया था, और इसी बात का फायदा उठाया अमेरिका ने।
तृतीय विश्व युद्ध। अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं बन गया, आजादी के बाद से ही वहां के नेताओं ने उन बातों पर फोकस किया जिनका उनके देश बाकी देशों के मुकाबले और अधिक शक्तिशाली और मजबूत बन सके। जहां एक और यूरोपियन देश और उसके विरोधी देश प्रथम विश्व युद्ध में आपसी लड़ाई के कारण बर्बाद हो रहे थे, वही अमेरिका अपने देश में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तैयारी कर रहा था। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अमेरिका ने यहाँ भी मौके का फायदा अच्छे से उठाया। जहाँ एक और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन देशों को हथियार सप्लाई करने में लगा था, जिससे अमेरिका को बहुत लाभ हुआ और अमेरिका पहले से भी ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होता गया। अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर देशों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने जंग में भाग नहीं लिया। अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था, लेकिन अमेरिका को इन युद्ध से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था दो विश्व युद्ध के बाद भी स्टेबल और मजबूत थी। इस बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने यूरोपियन देशों, सऊदी अरब और अन्य बड़े खाड़ी देशों को व्यापार में अमेरिकी डॉलर का ही उपयोग करने के लिए राजी कर लिया, और इस प्रकार विश्व में अधिकतर ट्रेड अमेरिकी डॉलर में शुरू होने लगे, जिसके कारण अमेरिकी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गया। अमेरिका के सुपर पावर बनने का मुख्य कारण। अमेरिका शुरू से ही दूरदृष्टि सोच रखने वाला देश था। यहाँ जितने भी राष्ट्रपति बने, सभी ने अमेरिका को सुपर पावर बनाने के मकसद से काम किया। अमेरिका ने आजाद होते ही अपने देश में लोकतंत्र की घोषणा की, जिसके कारण बहुत सारे देश अमेरिका के साथ मिल गए और विश्व के अलग अलग देशों के बुद्धिमान व्यक्ति अमेरिका आकर काम करने लग गए। अमेरिका ने हमेशा से ही टैलेंट को बढ़ावा दिया है। सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन नागरिक थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि अमेरिका में ही आके मिली और उन्होंने अमेरिका में ही रहकर अपना काम किया। आज के समय की बात करें तो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनी अमेरिका की ही हैं, लेकिन उन कंपनियों को इस लेवल पर लाने वाले लोग अलग अलग देशों के निवासी हैं। उदाहरण के तौर पर एलन मस्क एक साउथ अफ्रीकन है, लेकिन अमेरिका में अपना कारोबार करते हैं और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार है। सुंदर पिचाई भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन अमेरिका में रहकर काम करते हैं और गूगल के सीईओ हैं। अमेरिका ने शुरू से ही अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने पर पूरा ध्यान दिया। वर्तमान समय की बात करें तो अमेरिका ही एक देश है जिसके पास विश्व में सबसे ज्यादा अत्याधुनिक हथियार हैं। उसके बाद चीन, फिर रूस, फिर इसराइल, उसके बाद भारत की बारी आती है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी के मामले में भी विश्व में सबसे आगे है। आज सबसे ज्यादा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। आईटी से संबंध रखने वाले हर भारतीय का सपना होता है कि वो अमेरिका में जाकर काम करें। तो कुछ इस तरह से अमेरिका ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके खुद को महाशक्तिशाली बना लिया है हर क्षेत्र में। लेकिन भारत भी किसी देश से कम नहीं है। आज भारत के पास आधुनिक हथियार है, जीडीपी आगे बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है और हम भी बहुत जल्द एक विकसित देश की गिनती में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।